कि जो शादी से पहले का भाभी पाजी और मम्मा पाजी का ब्लॉग है वो आज इसमें डालना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना परफेक्ट उसकी एडिशन होगी। देखते रहिए गाइस सास बहू की जोड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक और डेली ब्लॉग। आज सुबह सुबह का नाश्ता है आलू कैप्सिकम राजमा और चाप, थोड़ी थोड़ी आधी आधी कटोरी सब चीज़ों की पड़ी हुई थी और ये दाल पड़ी हुई थी उसकी मैंने एक रोटी बना ली एकदम बढ़िया सी और साथ में खीरा। तो मैं आजकल खीरा गाजर फाइबर के लिए अच्छे से मस्त खाता हूँ, खाने से पहले खीरा खाता हूँ उसके बाद ये खाना वाना खाता हूँ। वाटरमेलन कटर है, क्या टेस्ट आपने करना है इसके अंदर बताओ। वीडियो दिखाओ, पहले वीडियो दिखा दो, वीडियो दिखा दो। ये वीडियो मैंने देखा था, दो अलग अलग वाटरमेलन है। हाँ हाँ। ये पहले वाले में ऐसे टिश्यू लगाया ऐसे करके, हाँ। थोड़ी देर तो उसका कलर बिल्कुल लाइट पिंक आया, इसका बिल्कुल इसका लाइट पिंक भी नहीं है, खैर हमारा ये ज्यादा रेड भी नहीं है। और जो दूसरा वाला लगाया है उसमें ये इतना आया है, इसका मतलब ये वाले को वो आर्टिफिशियली इसको कलर डाला गया है, वो इंजेक्शन से जो पकाते हैं वो है। आई डोंट नो अब ये कांट कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस वीडियो, ऑथेंटिक है कि नहीं मैं पहले ही बोलती हूँ क्योंकि मैंने खैर इतना रेड वो कभी देखा भी नहीं है फ्रेंकली, बट कुड बी द केस क्योंकि आते हैं आजकल कई रील्स बनते हैं ऐसे। आई डोंट नो दाल और ये सूजी का चीला और ये फिर से गाजर और खीरा एकदम बढ़िया सा। और आज हम लोग बैडमिंटन ही खेलने गए थे, आज हम लोग विकासपुरी गए थे बास्केटबॉल खेलने इतने सालों बाद। ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम, रोज वाला रोज वाला। मम्मा आप क्या लोगे? रोज। अच्छा भाभी आप क्या लोगे? मैं जाके देखूंगी। ओके okay, आप भी जाके देखोगे? जो देख लेना मेरे को रोज वाला, मतलब रोज फ्लेवर वाला, मतलब ये ऐसा नहीं है किसी को लगा पापा पाजी रोज ही रोज वाला रोज वाला डेली वाला डेली वाला भाई क्लियर कर रहा सही है। चलो देख के लाते हैं, हम तो बहुत टाइम के बाद खा रहे हैं और हम दोनों मम्मी और मैं तो क्लिपिंग आप देखना इस लेग पुलिंग के पीछे रीजन क्या है। पहले मैं ले आऊं कुल्फी, इसका नाम ही शाही नहीं, वो उसमें फ्लेवर रोज होता है पर होता वो शाही है। कुल्फी फलूदा रबड़ी में डन पक्का, एक कुल्फी फल उधर रबड़ी मिक्स कर दीजिए और एक ही मटका देख लो, ये राहुल साहब ने तो दो ही है ना। कुल्फी फल उधर रबड़ी मिक्स देना भेज दे, ये मम्मी पापा को एक दूसरे में पापा को दे दूंगा। खत पैक भी करा लेना, पैक करा लेना, कल भी खा लेना। जो शादी से पहले का भाभी पाजी और मम्मा पाजी का ब्लॉग है वो आज इसमें डालना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना परफेक्ट उसकी एडिशन होगी। भाभी ऐसे मम्मा और भाभी से पूछेंगे एक बार पहले खा ले कि क्यों ऐसा ब्लॉग बनाया था। इसका नाम पता क्या है? हाँ क्या नाम? शाही फलूदा, जो मैं सही बोल रहा था। अरे नाम कुछ भी हो काम उसका बढ़िया है बस, शाही फलूदा। मैंने सोचा कुछ भी रखा, पहले मैंने सोचा था टर्बन पे जाके वो लूंगा कॉफी, फिर मैंने बोला टर्बन तक कौन जाए, तो फिर मैंने अपना ये एक चमचू खा ले यार शुगर फ्री वाला लिए खाया। क्या टेस्ट है, खाओ खाओ आप खाओ एंजॉय करो, आप एंजॉय करो ना, नहीं आप करो एंजॉय करो भाभी आप एंजॉय करो, तो दिखाओ जरा। इसमें उसने तीन चार बार ब्राउली डाली, दो तीन आइसक्रीम डाली, ठीक है ना, जब जब खा रहे हैं तब नहीं सोचने का नहीं। ये भाभी ने एक्सपेरिमेंट करा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, जब खा रहे हैं तब नहीं सोचने का, जब एक्सेस है। कुल्फी रबड़ी फलूदा, अच्छा कुल्फी रबड़ी फलूदा ठीक है, चक्कर वाली एक एक्स्ट्रा लगा को ऐसे दी कुल्फी रबड़ी फलूदा टेस्ट तो करो। मम्मा किसी ने
किसी ने बादाम दूध पीना नहीं, नहीं, नहीं। पापा जी टेस्ट करने ना बच्चा मैं ये रसमलाई मैं चॉकलेट नहीं खाता। ये तो ये इतनी तेज आंधी है तो पेड़ ही टूट के गिर गया। कम से कम 40-45 मैसेज भी आया आप लोगों को पता नहीं आया कि नहीं है 50 किलोमीटर के आसपास चल रही थी आंधी। क्या मैसेज आया था सरकार का मैसेज आया था कि दिल्ली में 35-45 किलोमीटर की स्पीड पे चलेगी हवा। बेटी कुछ पे मेरे दोस्तों भी कुछ कह रहे थे आया है मेरे को नहीं आया देखो भी बोल रहे कमाक्षी को भी आया मैसेज आया कि मतलब कैसे है मैसेज आया पूरा बकायदा टेक्स्ट मैसेज आया सरकारी का वो हो सकता है देखा ना हो। हाँ वो अपने उसमें इनबॉक्स में चेक करना जैसे मम्मी पापा को नहीं आया मेरे को आया नहीं मैंने देखा भी नहीं है यार कितने मैसेज आते रहते हैं ना देखते नहीं है तुम लोगों ने देख लिया अलर्ट आया था कल आया था या परसों आया था नहीं कल आया था कल शाम को काफी खतरनाक था क्योंकि हवा चलती है ना दिल्ली में चलती नहीं इतनी तेज हवा। ये भी मम्मा यहाँ पे पीनी है कॉफी मम्मा नहीं चलो अच्छा नहीं लग रहा था इसका उसने उल्टा कर रखा ना इट डजंट लुक नाइस वहाँ जो है ना उसकी लाइट आ रही थी ना बच्चे किस दिन आएंगे ऐसे ही पियेंगे देखेंगे बट जो भी मुझे अच्छा लगा भैया देखो हमारे इतने इतने 1 किलोमीटर के एरिया में 4 वेंडर हो गए भाई हाँ अच्छा चल रहा है ये कंसेप्ट हाय फैमिली हेलो अब हम लोग पहले हम पाव भाजी खा चुके हैं हम वो बनाना भूल गए थे बट टेस्टी थी है ना बहुत स्पाइसी थी फिर अमृता ने तो प्याज भी और लिए और इसने खा लिया मैंने खा लिया हमने बहुत एंजॉय किया। अब हम राइट नाउ कहाँ खड़े हैं हम स्टैंडर्ड पे हैं और हम रोज वाली कुल्फी फलूदा कुल्फी क्योंकि हमारा पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो हम इसलिए 50-50 खाएंगे ठीक है। अब हम जब हमारी कुल्फी आएगी तब हम खाएंंगे देखते रहिए गाइस सास बहू की जोड़ी और सब्सक्राइब करिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मस्त ना। हाँ जी आप दोनों को मैंने अब पकड़ लिया आप दोनों बताइए What was the rationale behind making such a clip? कौन सा क्लिप स्टैंडर्ड कुल्फी अच्छा हमें नहीं पता। वो तो हम दोनों ना गायन की शादी से पहले हम लोग शॉपिंग कर रहे थे अब शॉपिंग करेंगे तो ये तो मतलब जैसे बोला भगवान मिला है जोड़ी भी ये भी खाने पीने की शौकीन हमारी फैमिली में अच्छा मैचिंग भी कपड़े पहन रखे आप दोनों ने सेम ब्लू वाइट उस दिन भी हमने शॉपिंग करी आराम से उसके बाद हमने कहा कि अब कुछ खाना तो है ही है हमने खाना खाया है ना वो स्टैंडर्ड वाले से तो हमने कोई वो क्लिपिंग नहीं बनाई थी एक्चुअली हमने इसलिए बनाया था कि आप लोगों को दिखाने के लिए तो वो हमारी बड़ी प्यारी सी क्लिपिंग थी और लेकिन जब तेरे को तो पता नहीं तू तो अपने घर चली गई मैं जब आई इन लोगों को दिखाई तो उन्होंने बोला उन लोगों ने तुम्हें कुछ दिया है कि उनकी डिटेल्स बता रहे हो मुझे इतना अजीब लगा मैंने कहा हमने तो इतने प्यार से बनाई थी ये देखो ये वो भाभी भाई बोले ये देखो ये स्टैंडर्ड से हमने कहा था हमने ऐसे बोला सेक्टर साथ में इनकी बड़ी टेस्टी होती है हमने उनका सिर्फ नाम नहीं बताया हमने सब ऐसे लग रहा है जैसे मतलब स्टैंडर्ड वालों की मम्मा ये तो ऐसे लग रहा था जैसे पुराने जमाने में ऐड करते हैं ना जैसे पिक्चर थिएटर वाले भी स्टैंडर्ड कुल्फी हां एक्चुअली हम वो उस टाइप से नहीं बोल रहे थे उस टाइप से नहीं बोला तो ये हमने किया था स्टैंडर्ड कुल्फी की एड हमें बाद में समझ आया एक्चुअली अब समझ आया कि ये प्रमोशनल होता है पर हमें पसंद भी है उनकी नहीं है वो सास बहू ड्यू पहली क्लिप थी फर्स्ट आउटिंग की और वो जेन्युइन रिएक्शन था अच्छी लगी थी कुल्फी मजा आया था अब वो अलग बात है कि कंपनी का मजा आया या कुल्फी का वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अब बैठो यहाँ पे 10 मिनट आराम से हवा सेको हवा लो हवा सेकने तो 2-3 दिन पहले आते अब तो लू चल रही थी दरवाजा खोलता था बालकनी का ऐसा लगता जैसे साइड से किसी ने वो लगा रखा है हेयर ड्रायर गर्म हवा आ रही थी रूम रूम अब आज तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा मौसम सैर कर रहे हैं आप भी करो सैर थोड़ी देर में करेंगे 10 मिनट ये आ गया हमारा रबड़ी फलूदा विच इज लुकिंग वेरी वेरी टेस्टी एंड टेम्पटिंग और अब हम दोनों इसको एंजॉय करके खाएंगे मम्मा फर्स्ट बाइट लेके बताएंगी कैसा है ओके मजेदार वेरी नाइस बहुत अच्छी हम तो बोलेंगे सब जाने यहाँ पे स्टैंडर्ड रबड़ी फलूदा हो सेक्टर 8 वाले है सुनो ये ना 2 है स्टैंडर्ड वाले एक इधर है एक बिल्कुल सामने तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली आते हैं वो भी अच्छा है देखिए पसंद अपनी अपनी ठीक है राइट तो अब हम एंजॉय करेंगे
और गाइस आप लोग भी जहाँ हो एंजॉय करिए. ओके बाय बाय. गुडू 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 नाइट. गुडू 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 नाइट.